नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के न्यू बैच जून 2021 में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अगले जो आगामी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें आज हम टॉपिक लेकर आए हैं चंद्रबरदाई, जिनके ऊपर हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और उस पर आधारित, जैसा कि पृथ्वीराज रासो है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करने वाले हैं, जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार और कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहाँ पे न्यू बैच जून 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट दी हुई है जो कि परीक्षा की दृष्टि से सटीक बनाई गई है। आप लोग उसे देखें, सिलेबस में मिलाएं, आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो पर महत्वपूर्ण तथ्य। तो चंद्रबरदाई हमारा टॉपिक है और यहाँ पे सबसे पहले कवि का जो परिचय है, जीवन परिचय, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रचयिता चंद्रबरदाई लाहौर के भट्ट जाति के जगात गोत्र में जन्मे थे। ठीक है, इनका जो समय है वो 1225 से लेकर के 1249 विक्रम संवत, अगर ईस्वी में बात करें तो 1168 से लेकर के 1192 ईस्वी का इनका जीवन समय है। पृथ्वी राज के राजकवि जयानक ने पृथ्वी राज विजय से चंद का नाम पृथ्वी भट्ट तो गौरी शंकर हीरा नंद ओझा ने चंद्र कवि बताया था। किसने? पृथ्वी राज के राजकवि जयानक ने पृथ्वी राज विजय में चंद का नाम, मतलब चंद्रबरदाई का नाम पृथ्वी भट्ट, वहीं गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने चंद्रक कवि बताया था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद जालंधरी देवी का ईष्ट था। सर्वप्रथम जानकारी कर्नल जेम्स टॉड ने अपने ग्रंथ एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान 1839 ईस्वी में प्रदत्त की, तथा पृथ्वीराज रासो का एक भाग संगोपता नेम नाम से कर्नल जेम्स टॉड ने प्रकाशित भी करवाया। सबसे पहले जो जानकारी दी थी चंद्रबरदाई के लिए वो किसने दी थी? वो दी थी कर्नल जेम्स टॉड ने। उनका एक ग्रंथ है एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जो कि 1839 ईस्वी में आया था, उसमें इन्होंने पृथ्वीराज रासो का एक भाग भी संगोपता नाम से प्रकाशित किया था। फिर है सर्वप्रथम प्रकाशन 1883 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा प्रकाशित किया गया। पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। पहला है वृद्ध रूपांतरण, जिसमें 69 समय तथा 16,306 छंद श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित, तथा 1905 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित मूल प्रति 1585 ईस्वी में लिखित, जो कि वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। फिर है मध्यम रूपांतरण, 7,000 छंद की अप्रकाशित प्रति, जो अबोहर मतलब बीकानेर में सुरक्षित है, यह 17वीं सदी में लिखी गई है। लघु रूपांतरण 19 समय 3500 छंद की अप्रकाशित प्रति, जो बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। लघुत्तम संस्करण 1300 छंद की प्रति, जो डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा संपादित तथा प्रकाशित है। दशरथ शर्मा मूल संस्करण इसी प्रति को मानते हैं। पृथ्वीराज रासो के कुछ छंद मुनि जिन विजय द्वारा संपादित पुरातन प्रबंध संग्रह 1441 ईस्वी में मिलते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ नॉर्मल सा परिचय, अभी और आगे देख लेते हैं। काव्य रूप की अगर बात करें तो प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्य है। नरोत्तम स्वामी ने इसे मुक्तक काव्य कहा है। काव्य विभाजन
69 समय तथा 16,306 छंद हैं। प्रथम समय आदि पर्व समय, सबसे बड़ा समय कन्नौज युद्ध, 61वां समय है रासो का मूल कथानक है ये। पद्मावती विवाह समय 20वां समय है। कैमास वध समय 57वां समय है, सबसे मार्मिक समय इसको कहा जाता है कैमास वध। ये प्रश्न में कई बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो का सबसे मार्मिक सर्ग या समय कौन सा है, तो 97वां समय है जिसका नाम है कैमास वध। नायक पृथ्वीराज चौहान तृतीय धीरोदात नायक। नायिका है संयोगिता मुग्धा नायिका। सहनायिका है पद्मावती पद्मावती। अंगीरस प्रधान रस इसमें कौन सा है, श्रृंगार तथा वीर रस है प्रधान रस। प्रधान अलंकार की अगर बात करें तो अनुप्रास तथा यमक अलंकार है। प्रधान छंद की अगर बात करें तो 68 प्रकार के छंद इसमें युक्त हुए हैं। कवित रोला प्रस उल्लास, मतलब कवित का सर्वाधिक प्रयोग इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त दूहा तोमर त्रोटक गाहा तथा आर्या छंदों का प्रयोग हुआ है। तो सबसे जो ज्यादा प्रयोग हुआ है वो हुआ है कवित छंद का, ठीक है। नामवर सिंह क्या कहते हैं, नामवर सिंह ने चंदबरदाई को छप्पे सम्राट कहा है, छप्पे सम्राट के नाम से। शिव सिंह सेंगर ने चंदबरदाई को छंदों का राजा कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। छप्पे को ही आधुनिक युग में कवित्त कहा गया है, छप्पे छंद को आधुनिक युग में कवित्त कहा जाता है। भाषा शैली पिंगल शैली अर्थात राजस्थानी तथा ब्रज भाषा का सम्मिलित प्रयोग किया गया है। दशरथ शर्मा कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा प्राचीन राजस्थानी मानी है। किन्होंने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा प्राचीन राजस्थानी मानी है। भाषा की अभिधेय शक्ति का प्रभावशाली वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मत हैं, उनको देख लेते हैं। रास किसने माना है, बच्चन सिंह ने। रासो शब्द की उत्पत्ति रास से बच्चन सिंह ने माना है। रासक से उत्पत्ति मानने वालों में से हैं चंद्रवली पांडे, डॉक्टर दशरथ शर्मा, पंडित विश्वनाथ मिश्र। इन्होंने रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। और हैं एक इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं जिन्होंने माना है। रसिक शब्द से उत्पत्ति मानी है नरोत्तम स्वामी ने। राजसूय शब्द से उत्पत्ति मानी है गारसा दतासी ने। राज देश शब्द से उत्पत्ति मानी है गिरियर्सन ने। राजयश शब्द से उत्पत्ति मानी है डॉक्टर हर प्रसाद शास्त्री ने। रसायन से उत्पत्ति मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रहस्य से उत्पत्ति मानी है कविराज श्यामल दास और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने। प्रमाणिकता पर इनका जो विवाद है, बहुत से लोग प्रमाणिक मानते हैं, बहुत से अप्रमाणिक और कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, तो इस पर देख लेते हैं एक चर्चा। तीन मत प्रचलित हैं। सर्वप्रथम प्रमाणिकता पर संदेह मुरारी दीन व श्याम दास ने, बूलर ने अप्रमाणित स्थापित किया है। सर्वप्रथम जो प्रमाणिकता पर जो संदेह जताया था वो मुरारी दीन व श्याम दास जी ने किया था, और वूलर जो हैं वो इसे अप्रमाणिक मानते हैं, मतलब अप्रमाणिक स्थापित करने वाले वूलर हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अप्रमाणिक वर्ग में कौन कौन से कवि आते हैं। सबसे पहले वूलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, देवी प्रसाद, अमृत लाल शील, डॉक्टर मॉरिशस, कवि मुरारी दीन, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा और श्यामल दास। तो ये लोग हैं जो कि इसको अप्रमाणिक मानते हैं। वहीं प्रमाणिक मानने वाले वर्ग में नाम आता है श्याम सुंदरदास, गारसादातासी, मिश्र बंधु, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये लोग मानते हैं प्रमाणिक। अर्ध प्रमाणिक वर्ग में आते हैं मुनि जिन विजय सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ शर्मा, ये लोग क्या मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक। तो अप्रमाणिक, प्रमाणिक,
और अर्ध प्रामाणिक, तो ये चीजें याद रखिएगा, परीक्षाओं में इसको पूछ लेता है। आगे हैं और हैं ये, इसी में अर्ध प्रामाणिक में आते हैं माता प्रसाद गुप्त, सॉरी ये जहां तो हमने अर्ध प्रामाणिक वर्ग देखा था, प्रामाणिक वर्ग देखा था, और इसमें ही आ जाते हैं माता, अर्ध प्रामाणिक में माता प्रसाद गुप्त, अगरचंद नाहटा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की प्राप्त संज्ञाएं देख लेते हैं, किसने क्या कहा है, मतलब जो एक उपनाम होता है ना वो समझ लेते हैं। तो शुकशुकी संवाद कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है। भारत की तरह विशाल महाकाव्य घटना कोश ये किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। जाली ग्रंथ कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। विशाल वीर काव्य कहा है श्याम सुंदर दास ने। उक्ति श्रृंखला छंद श्रृंखला माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है गुलाब राय ने। हिंदी का वृहद महाभारत ये कहा है दशरथ शर्मा ने, मतलब ये इसके उपनाम है कि कुछ कवियों ने, जैसे शुकशुकी संवाद के बारे में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो को शुकशुकी संवाद किसने कहा है, तो यहाँ पे जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेष आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित हर प्रसाद शास्त्री आदि विद्वानों ने इस ग्रंथ के उत्तरार्ध भाग को चंदबरदाई के पुत्र जलहण द्वारा पूर्ण करना बताया गया है। चंदबरदाई ने 59 समय तथा जलहण ने 10 समय की रचना की है, टोटल कितने हुए 69 69। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्य ने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए एक नए संवत आनंद संवत की कल्पना की। यह संवत विक्रम संवत से 90 से 91 वर्ष का अंतर रखता है, हालांकि ये प्रमाणित नहीं है। प्रमुख कथन है, सबसे पहला रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि साहित्य प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है कि चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो ग्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। ठीक है, मिश्र बंधु कहते हैं कि हिंदी का प्रथम वास्तविक महाकवि चंदबरदाई को ही कहा जा सकता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हिंदू मुस्लिम संघर्ष की गाथा है, मतलब रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य है, हिंदी हिंदू मुस्लिम संघर्ष की इसमें गाथा बताई गई है, उन्होंने ये कहा है। फिर है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का नाम, पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तर पर इसमें निखर कर आया है। वहीं बच्चन सिंह का कहना है कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है, बच्चन सिंह ने, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर है नामवर सिंह जी का नाम, रासो मानव जीवन की विविध परिस्थितियों और भाव, आगे और देख लेते हैं, दशाओं का महासागर है, यही वह विशेषता है जिसे युग के सभी काव्यों में रासो को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। निश्चय ही आपको यह उस युग की संस्कृति परिस्थितियों तथा पूर्व परंपराओं का वृहद कोश है और मध्ययुगीन भारतीय समाज का एक काव्यात्मक इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इसकी रचना शुकशुकी संवाद में हुई थी, जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि चंदवरदाई का यह काव्य रासक भी है जो गे काव्य हुआ करता था, जिसमें मृदु और उद्धत प्रयोग हुआ करते थे। चंद ने भी
अपभ्रंश की रासकों की शैली पर ही अपना रासो लिखा है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि रासोकार ने पृथ्वी राज को भगवत स्वरूप बताकर कहानी में थोड़ा धार्मिकता का रंग देना चाहा था। तो ये था दोस्तों चंदवरदाई और उनका जो महाकाव्य है पृथ्वी राज रासो, उस पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर हो सके तो इसके भी नोट्स बनाकर रख लें, क्योंकि अगले महीने से परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।